वालेकुम एवरीवन। तो आज हमें जो है वाटर ट्रांसपोर्ट पढ़ना है। ओके, तो वाटर ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट हुए जो पानी पे चलते हैं, ठीक है जू। वाटर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड शिप्स एंड बोट्स। वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या आता है? शिप्स हो गए आपके जहाज, और बोट हो गई वो किश्तियाँ, नाव है ना, वो जो पानी पे चलते हैं, ठीक है जू। शिप्स आर मोस्टली यूज इट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ये जो शिप्स होती हैं, जहाज जो होती हैं, ये जो है ज़्यादा हेवी, भारी और बड़े बड़े गुड्स, बल्कि हो गया बड़ा हेवी हो गया, भारी भरकम जो सामान है जो हम एक कंट्री से, एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाते हैं, उसके लिए यूज़ होते हैं, ठीक है जो शिप्स। ओके, देन द प्लेसेस वेयर गुड्स आर लोडेड एंड अनलोडेड फ्रॉम शिप इज कॉल्ड पोर्ट। जिस जगह जो है किश्तियों से सामान लोड और अनलोड किया जाता है, ठीक है, उतारा और चढ़ाया जाता है, उस जगह को पोर्ट कहते हैं, यानी कि बंदरगाह, ठीक है जो। पेपर ट्रैवल बाय बोट्स टू क्रॉस द रिवर। और ये जो बोट्स हैं, ये जो किश्ती, ये नाव जो है, ये लोग इस्तेमाल करते हैं रिवर्स को क्रॉस करने के लिए, या जो फिशरमैन्स होते हैं ना, मछुआरे, ट्रैवल बाय बोट टू कैच फिशेस, वो जो है मछलियाँ पकड़ने के लिए भी यूज़ करते हैं। अच्छा जी, इस पिक्चर में देखो, यहाँ पे फिशरमैन कैचिंग फिश, जो फिशरमैन है मछरवाला, वो जो है मछलियाँ पकड़ रहा है ना। बोट कैरिंग पीपल्स, और ये जो नाव है इसमें लोगों को भी उठाया हुआ है ना, ठीक है। ओके, तो मोटर बोट्स आर यूज इट फॉर रन फन एंड एंजॉयमेंट इन अ स्मॉल लेक्स। और ये जो मोटर बोट्स होती है ना, मोटर वाली किश्तियाँ, ये किश्तियाँ, ये जो है ऐसे मज़े के लिए, या हम अपनी इंजॉयमेंट के लिए यूज मतलब उस पे चढ़ते हैं, जब ये स्मॉल स्मॉल लेक्स में होती हैं, लोग झील्स में, जैसे कि आप डल लेक पूछे हो, वहाँ पे भी ये मोटर बोट्स होती हैं, है ना। ओके, देन ए शिप कैन कैरी मनी पीपल्स एंड हैवी गुड्स टू अ लॉन्ग डिस्टेंस। और ये जो शिप है, ये जो है बहुत सारे लोगों को और हैवी भारी सामान उठाने के लिए भी काम आती है, ठीक है जू। बोट्स आर यूज इट फॉर कैरिंग लेस नंबर ऑफ पीपल टू ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंस। और कम ही फासले के लिए ये बोट जो है कम ही लोगों को और कम मतलब सामान उठाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, आप है आपका, यहाँ पिक्चर पे देखो आप, मोटर बोट, और ये हो गई आपकी शिप, ठीक है जू। एयर ट्रांसपोर्ट, अब हम पढ़ेंगे एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में, वो ट्रांसपोर्ट जो हवा में चलते हैं, ठीक है जो। एयर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स। एयर ट्रांसपोर्ट में क्या आता है? एरोप्लेन्स आती हैं, हेलीकॉप्टर्स आते हैं, रॉकेट्स भी एयर ट्रांसपोर्ट में ही आते हैं, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट जो है उसमें आता है, ये जो है एयर ट्रांसपोर्ट जो है फास्टेस्ट मीन, मतलब सबसे तेज वाला ट्रांसपोर्ट माना जाता है, ठीक है जो। वी कैन रीच फॉर ऑफ अ प्लेस इन अ फ्यू आवर्स। अगर हमें कहीं दूर जाना है तो हम कुछ ही घंटों में एज एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर में जल्दी ही पहुंच जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपसे किसी कोई पूछे कि विच ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो आप बोल सकते हो एयर ट्रांसपोर्ट, है ना। ओके, देन लेटर एंड पार्सल सेंड बाई पीपल आर ऑल्सो कैरीड इन एरोप्लेन्स टू अदर कंट्रीज। लेटर्स हो या पार्सल हो, जो भी सामान हो, वो भी जो है लोग उनको के साथ हम एरोप्लेन्स में एक कंट्री दूसरे कंट्री, एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेज सकते हैं, दूसरी कंट्रीज भेज सकते हैं, ठीक है। इफ़ वी हैव टू विजिट अनदर कंट्री, अगर हमें जब कभी भी दूसरी कंट्रीज जाना पड़ता है, जैसे लाइक सिंगापुर हो, अमेरिका हो, या लंदन हो, देन वी हैव टू ट्रैवल बाई एयर ट्रांसपोर्ट। तब हम किस पे ट्रांसपोर्ट ये करते हैं, सफ़र करते हैं? एयर ट्रांसपोर्ट पे, एज दे आर वेरी फार ऑफ अ प्लेस। जितनी भी दूर भी जगहों को जाने के लिए हम एयर ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं। ओके, एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द कॉस्टलियर देन अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये एयर ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा महंगी होती है, कॉस्टलियर हो गया, महंगी होती है दूसरे ट्रांसपोर्ट के मुकाबले, ठीक है जो। ए हेलीकॉप्टर कैन कैरी फ्यू पीपल। ये जो हेलीकॉप्टर है ये कम ही लोगों को उठाती है, इसमें सिर्फ चार या तीन चार लोग ही आ सकते हैं, ठीक है, हेलीकॉप्टर में। ओके, एरोप्लेन में बहुत सारे लोग आते हैं, 400 से 500 लोगों तक उठाती है, ठीक है जो। हैव यू सीन अ हेलीकॉप्टर, क्या आपने कभी हेलीकॉप्टर देखी है? इट इज़ यूज टू टेक फूड एंड मेडिसिन टू सोल्जर और पीपल वेन दे आर इन नीड। ये हेलीकॉप्टर जो है यूज़ होती है लोग जो सोल्जर्स होते हैं ना, सिपाही, उनके लिए मेडिसिन या दवाई पहुँचाने के काम आती है लोगों को, ठीक है जो।
So sometimes important people use helicopters to travel from one place to another. ठीक है, one place to another. ये जो हेलीकॉप्टर है ये कभी कभी जो इम्पोर्टेंट मतलब बड़े बड़े जो लोग होते हैं खुद भी मतलब जब उन्हें कहीं जाना होता है एक दूसरी जगह जाना होता है तब भी यूज़ करते हैं. ठीक है, वन वेयर वुड यू गो इफ यू वॉन्ट टू बोर्ड अ प्लेन. अगर आप कहीं किसी प्लेन पे चढ़ना चाहते हो या आप कहीं प्लेन से कहीं जाना चाहते हो तो आप कहाँ जाओगे? यू हैव टू गो टू द एयरपोर्ट. आप कहाँ जाओगे? आप एयरपोर्ट जाओगे. ठीक है, एयरपोर्ट इज अ प्लेस वेयर ऑल द एरोप्लेन लैंड एंड टेक ऑफ. एयरप्लेन वो जगह है जहाँ पे एरोप्लेन लैंड होती हैं. ठीक है, लैंड हो गया वहाँ पे उतरती हैं और वहाँ से टेक ऑफ करती हैं. ठीक है, जो आप यहाँ पे आपके लिए दिया हुआ है फैक्ट फाइल में देख लो. लैंडिंग एरिया ऑफ हेलीकॉप्टर इज कॉल्ड इट हेलीपैड. लैंडिंग एरिया जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स लैंड करती हैं उतरती है उस एरिया को कहते हैं लो हेलीपैड. ओके, प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट. वो जगह जहाँ पे एरोप्लेन्स रखी जाती हैं, वो जगह जहाँ पे एरोप्लेन्स रखी जाती हैं इट्स कॉल्ड इट हैंगर. ओके, उस जगह को क्या कहते हैं? हैंगर कहते हैं. इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. लैंडिंग एरिया ऑफ हेलीकॉप्टर इज कॉल्ड इट हेलीपैड. प्लेसेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट इज कॉल्ड हैंगर. ओके, तो कल हम एक्सरसाइज वर्क करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.